आइए दोस्तों, आज आपको अपने साथ वसंत कुंज की सैर कराता हूँ मैं। दिल्ली का बहुत ही प्रोमिनेंट हाई फाई हैपनिंग एरिया है। तुमने कहा वसंत कुंज में कुछ दो तीन बड़े मॉल हैं, आज क्यों नहीं आपको अपने साथ मॉल की सैर कराऊं। संडे का दिन था, थोड़ा मूड था कि चलो भाई कुछ चाइनीज़ खाते हैं। तो कैब ड्राइवर को बुलाया मैंने, कहा चलो भाई थोड़ा सा लोधी रोड ONGC सब घुमाते हुए वहाँ से हमने वसंत कुंज का रुख किया। बहुत ही हैपनिंग जगह है वसंत कुंज। अगर आप जाके देखोगे उधर वहाँ पे तो आपका आइडिया लगेगा कि बहुत ही मतलब ज़बरदस्त बड़े बड़े मॉल हैं। प्रिया इसके पास में ये DLF एम्पोरियो है, और उसके बाद तीन मॉल वहाँ पे साथ में एक के पीछे एक हैं। ये हम कहते हैं DLF एम्पोरियो, फिर DLF प्रोमिनेंट मॉल, ये बहुत फेमस है, बहुत बड़ा मॉल है और हैपनिंग है। इसी के अंदर एम्बियंस है, दो तीन मॉल एक के बाद एक इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे वसंत कुंज वाले जितने भी आते हैं, मतलब आप अगर घूमने के मूड से आओ तो आराम से आपको वीकेंड में आप फ्राइडे सैटरडे संडे आओ तो फुटफॉल ज़बरदस्त आपको मिलेगी। हम भी पहुंच गए, मैंने कहा चलो देखिए एक बार आइडिया क्या है इसका, वसंत कुंज के मॉल का, क्योंकि बहुत साल पहले आए थे तो उसके बाद बन रहे थे, अभी पूरे फुल ऑपरेशनल मॉल्स हैं। आप अंदर इंटर करोगे तो सामने आपको ये डिस्प्ले दिखेगा, कार्स वाले आजकल एक ट्रेंड बन गया, बड़ी बड़ी कंपनी अपने कार का डिस्प्ले लगाती हैं। जैसे पहले साकेत मॉल में आपको BMW दिखाई थी, यहाँ पे रेंज रोवर का डिस्प्ले लगा था कार्स का। देखिए सो स्पेशल डिस्काउंट, क्या कोई बुक कराता है शोरूम की टेस्ट ड्राइव वगैरह तो देखिए स्पेशल ऑफर्स। इसके कुछ नए मॉडल्स आए रेंज रोवर के। और लाइन से देखिए पीछे आप, क्या बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक से ज़बरदस्त स्टोर, मतलब फुटफॉल तो ऐसी ज़बरदस्त है कि आप वीकेंड में आओगे तो अच्छा खासा आप इन्जॉय करोगे। मैंने नीचे वहाँ पे पूरा एक राउंड लिया, मैंने कहा मैं दोस्तों को पहले सब अच्छे अच्छे मॉल्स जो भी हैं इंडिया के, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ जिस सिटी में, आई मेक इट ए पॉइंट कि वहाँ पे आपको जो जो हैपनिंग प्लेसेस हैं वो ज़रूर उसको कैप्चर करूँ, आपको दिखाऊँ। दोपहर का टाइम था, संडे का, उस समय उतना रश नहीं था, बोले शाम को 4 बजे के बाद ज़्यादा रश होता है। तो लेकिन उस समय हम लोग गए थे लंच के लिए वहाँ पे, एक्चुअली चाइनीज़ रेस्टोरेंट है बहुत फेमस वहाँ पे, वहाँ पे हमको चाइनीज़ खाना था। तो हमने कहा थोड़ा पहले पहुँच जाओ 12:30-1 तक थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा फुटफॉल देखिए मॉल का थोड़ी बहुत शॉपिंग करके देन वी शुड गो टू मामा गोटू। बहुत बहुत ही फेमस ईटिंग जॉइंट है चाइनीज़ का वहाँ पे। ये देखिए स्पेशियस मॉल है, हाई फाई लोग आते हैं सारे, अपना इन्जॉय करते हैं अपना आराम से। धूप के टाइम पे बाहर घूमने से अच्छा है मॉल में चले जाओ, अंदर से इन्जॉय करो कुछ ना कुछ आपको अच्छा दिखेगा ही हैपनिंग। और ऑलमोस्ट ब्रांड्स तो सारी, अगर आप किसी मॉल में जाओगे सब में सेम ब्रांड्स मिलती है, इंटरनेशनल ब्रांड। इंडिया में जाओ, अब्रॉड में जाओ, 99% तो ऑलमोस्ट सेम कॉमन होती हैं, जितनी भी ब्रांड्स में आप जाओगे सब बड़े बड़े स्टोर्स होंगे हर ब्रांड के वही मिलेगा। फिर मामा गोटो में नंबर लगाया हमारा, 1 घंटा करीब वेटिंग लगा, चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत फेमस है यहाँ पे 2nd फ्लोर पे। तो मैंने बाहर से पूरा कैप्चर किया है, देखिए DLF प्रोमिनेंट मॉल, क्या ज़बरदस्त ब्यूटी है इसकी, फर्स्ट क्लास पार्किंग है, खूब बड़ी और वेले पार्किंग में आप गाड़ी दे दो अपना फर्स्ट क्लास लेके जाएगा। ये रेस्टोरेंट है मामा गोटो, ये बहुत फेमस है, मतलब इसमें इसका हमेशा बुकिंग चलती है, आप पहले बुक करा लो, उसमें टाइम के हिसाब से स्लॉट मिल जाएगा आपको, तो वेट नहीं करना पड़ेगा। बगल में द ढाबा है, डेली है ना कैफ़े, डेली हाइट्स है, ये भी बहुत फेमस, बड़े बड़े इंटरनेशनल चेन्स हैं दिल्ली में, इन सबकी कई ब्रांचेस हैं, कनॉट प्लेस में भी इसकी थी, यहाँ पे भी है इसकी। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल। फिर हमारा नंबर आया 1 घंटे बाद करीब वेटिंग के बाद, तो अंदर गए, पूरा फर्स्ट क्लास खचा खच भरा हुआ था, फुल क्राउडेड था संडे लंच के टाइम पे, लोग बैठे अपना एंजॉय कर रहे हैं, जिसको जो पसंद है उसके हिसाब से लेके। खाना इसका बहुत टेस्टी है, हमने कहा चलो सब वैरायटी का ट्राई किया, मुगलाई भी ट्राई किया, वो भी किया, अभी चाइनीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे दिल्ली का ये देखिए इसकी मेन्यू कार्ड आया, उसको वेटर को बुला के उससे पूछा क्या स्पेशलिटी है, ये चिकन हाका नूडल्स मंगाया, चिकन फ्राइड राइस मंगाया, उसका चिली चिकन मंगाया ग्रेवी में, ये देखिए चिली चिकन विद ग्रेवी। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एकदम स्टीमिंग हॉट फूड था, बहुत ही मज़ा आया खा के, मतलब रिकमेंड कर सकते हैं चाइनीज़ अगर आपको खाना हो तो। आप मामा गोटो की ब्रांच 2-3 हैं दिल्ली में रेस्टोरेंट्स की, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर 1 घंटा वेटिंग है इसमें, कोई डाउट नहीं, 45 मिनट से 1 आवर इसमें वेटिंग है, मतलब पूरा फुल क्राउडेड रहता है हमेशा, खाने वाले सब शौकीन है, वेट करते हैं, अच्छा खाना खाना है तो वेट तो करना ही पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्टाइल ही बहुत ज़बरदस्त है, देखिए क्या स्टाइल में
बाउल्स के, देखिए सर्विंग बाउल्स कितने प्यारे हैं इसके, और बाद में बिल आया कितना प्यारा है लेटर बॉक्स की तरह से। इंजॉय किया हम लोगों ने दिल्ली में, नाइस फूड। क्या है नहीं समझे ना, बहुत जल्दी पता चल जाएगा।